नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 भूतपूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। अभियोग, इज़राइल के लिए कतर में जासूसी करना। पिछले अगस्त 2022 में ये 8 नागरिक पकड़े गए थे जो वहां कतर में दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते थे और कतर के नौसेना को ट्रेनिंग देते थे। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी का काम है वहां ट्रेनिंग देना, और ये कंपनी कतर की मदद कर रही थी इटली से पनडुब्बियां खरीदने के लिए। अगस्त 2022 में जब ये 8 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए तो उन पर ये अभियोग लगाया गया कि वो इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे। अभियोग बहुत बड़ा था। कोई एक महीने के बाद भारत की सरकार को इसकी सूचना मिली और भारत की सरकार और विदेश मंत्रालय ने भरसक प्रयत्न किया कि उन्हें एक फेयर ट्रायल मिले, ट्रांसपेरेंट ट्रायल मिले, काउंसलर एक्सेस मिले और वकील करने की स्वतंत्रता मिले। और सबसे बड़ी बात, कोशिश ये की गई कि इन सबको जमानत मिले। इन्हें जमानत नहीं मिली। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंसी के मालिक को भी पकड़ा गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ने इन 8 को नौकरी से निकाल दिया और कंपनी ने अपना कामकाज कतर से बंद करके कहीं चले गए। कोई आश्चर्य नहीं है, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर गहरा दुख प्रकट किया है। इसके कुछ पहलू हो सकते हैं। क्या ये जल्दी में उठाया गया कदम इराक हमस वार से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत ने हमस के 7 अक्टूबर के हमले को आतंक की घटना करार दिया था? क्या ये कदम मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते प्रभाव की तरफ है, क्योंकि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से अच्छे हैं, बहरीन से अच्छे हैं, यूएई से अच्छे हैं, मिस्र से अच्छे हैं और इज़राइल से अच्छे। इन सब के साथ कतर की नहीं बनती, खास करके सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र। कतर का बायकॉट 2017 से 2021 तक कर चुके। भारत में स्थित इज़राइल के राजदूत का वो वक्तव्य जो उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था कि भारत हमस को एक आतंकी संगठन घोषित करे, वजहें काफी हो सकती हैं। दुख का विषय यह है कि कतर के गवर्नमेंट ने कभी इन भारतीयों को एक फेयर ट्रायल, ट्रांसपेरेंट ट्रायल देने की कोशिश नहीं की। ऐसी घटनाएं आज तक खाड़ी के देशों में रह रहे और काम करने वाले मजदूरों और शिल्पकारों के साथ होती आई, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। कतर में कोई 6.5 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर भारत की सरकार इस पर कोई कड़ा रुख लेती है तो कतर की सरकार इस वर्कफोर्स को
या तो पूरी तरह से कम करने या थोड़ा कम करने की भी कोशिश कर सकती है। खैर, पहली बार व्हाइट कॉलर जॉब में एम्प्लॉयड लोगों के साथ ऐसी बड़ी घटना सामने आई है। इससे पहले वर्कफोर्स में कई लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इससे बाहर के देशों में जो भारतीय काम करने जाते हैं, खासकर आईटी सेक्टर में, सिक्योरिटी में और डिफेंस कंसल्टेंसी में, उनको लोग अब शक की निगाह से भी देखेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कतर के अदालत का ये फैसला निरस्त कराया जाए और इन आठों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। इससे पहले कुलभूषण जाधव, जो अब हमारे दिमाग की सबसे गहरी परत में दफन हो चुका है, उसकी भी याद हम दिलाना चाहेंगे कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान की जेलों में बंद है और फांसी की सजा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुलतवी कर रखी। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इस लिहाज से जो कदम भारत की सरकार उठाएगी कि ये आठ नागरिकों का जीवन बचाया जा सके, वो भारत की सरकार की छवि बनाने में सार्थक होगी। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।